दिल्ली में कश्मीरी गेट स्थित कुदेशिया घाट पर सैकड़ों की संख्या में दिहाड़ी मजदूर एकत्रित हो गए। मजदूरों का दावा है कि लॉकडाउन से बेरोजगारी तो है ही, साथ ही साथ खाने पीने की समस्या भी खड़ी हो गई है। ये मजदूर शेल्टर होम से आकर कुदेशिया घाट पर इकट्ठा हो गए थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने कुदेशिया घाट को खाली करा दिया और घाट पर जमा मजदूरों को वापस शेल्टर होम ले जाया गया। देश भर में लॉकडाउन 2 की आज से शुरुआत हुई है। 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद 19 दिनों का लॉकडाउन शुरू हुआ है और दूसरे लॉकडाउन के पहले ही दिन दिल्ली में करीब 1000 के आसपास इस तरह के बेघर सामने आए हैं, जो कि यमुना किनारे जहां तहां रह रहे थे। दो तीन दिन पहले निगम बोध घाट के पास जो शेल्टर होम था उसमें आग लगा दी गई थी, जिसके बाद वहां भी या उसके आसपास जो रहने वाले लोग थे वो सभी, उनके पास कोई ठिकाना नहीं बचा था, जिसके बाद ये लोग यहाँ यमुना किनारे पेड़ों के नीचे जहाँ तहाँ लोग रह रहे थे। लेकिन अब जो है पुलिस और प्रशासन की तरफ से इन सबको यहाँ से शेल्टर होम में पहुँचाया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है और बसों में यहाँ से सभी को करीब अभी तक 200-250 लोगों को ले जाया गया है। इसके अलावा और भी जितने भी लोग, देख सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक पूरी भीड़ है, लंबी लाइन है, सैकड़ों लोग हैं जिन्हें कि यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। उनसे जानते हैं, अपना नाम बताओ भैया। मंगल। मंगल। अच्छा, खाना खाया आज? अभी तो नहीं, सरदार का सुबह खाया था। सरदार का खाया था सुबह? सुबह खाया था। क्या खाए थे? रोटी दाल। अच्छा, कल खाए थे? हाँ, कल शाम खाया था। अच्छा, क्या करते हो आप? हम पार्टी का काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आए थे, फिर लॉकडाउन में फंस गए, जाने ना दिया आगे। अच्छा, तो चला जाता गांव को, लेकिन जाने ना दिया, पुलिस वालों ने मारा भी कुछ। अच्छा, आपका क्या नाम है? गजराज। कहाँ रहते हो? सर, रहने को तो काम चलता था, तो ठेकेदारों की साइटों पे या गोदामों पे रहते थे। गांधीनगर में काम करते, धक्का का लगाने का। अच्छा। मार्केट में लोडिंग वोडिंग का। अभी काम कहीं चल नहीं रहा तो इधर ही है जब से लॉकडाउन। सर, जैसे कहीं काम हुआ तो वहाँ अभी इधर ही है जब से लॉकडाउन है। यमुना किनारे? हाँ, यमुना किनारे। तो वो उसमें नहीं रहते थे, शेल्टर होम था? सेंटर में सर सारे, उसमें जगह नहीं मिलती थी। उसमें क्या है कि अब इतनी पब्लिक है, उसमें इतनी जगह नहीं है कि सब लोगों की। अगर रात में लेट आए तो जगह नहीं मिलती, अगर जगह मिल गई तो उसमें भी सो जाती थी। अच्छा, आग किसने लगा दिया था? आग सर यहाँ झगड़ा हुआ पब्लिक में, यही खाना आना वितरण में, उसमें जाने कुछ लड़कों ने क्या किया, हम लोग, हम तो थे नहीं। अच्छा। तो पब्लिक में भड़क हुई, अब जाने किसने क्या कर दिया। शेल्टर होम ले जा रहे हैं तो आप लोग जाने के लिए तैयार हो ना? हाँ जी सर, चलेंगे जब तक लॉकडाउन है, जब तक तो चलेंगे, फिर इसके बाद अपना काम धाम देखेंगे। आज खाना खाए थे? हाँ, खाना सर सवेरे सरदार लोगों का लंगर बटता, उसमें खाए थे, वो लोग आते हैं। हाँ, यहाँ पर। आप भी कहाँ रह रहे थे? यही रहता हूँ। यही पे कब से रह रहे हो? जी, कुल दिन हो गए काम करता हूँ गांधीनगर। कितने दिन से आ रहा था? इन 2 साल हो गए। 2 साल से? यमुना किनारे ही? नहीं, सेंटर में रहता। अच्छा, गांधीनगर काम करता हूँ ट्रांसपोर्ट। अच्छा, इधर काम करके आता हूँ, इधर ही रहता हूँ। अच्छा, तो अब क्या हो गया था ये? क्या आज इतने लोग इकट्ठा कैसे हो गए? सब लोग चारों तरफ यहीं सोते, कोई इधर, कोई पेड़ के नीचे, कोई पुल के नीचे, कोई कहीं सोते हैं। तो आज इतने लोग कैसे हो गए तो पूछ रहा हूँ। इन सब लोगों ने स्टाफ ने इकट्ठा किया। अच्छा, इधर उधर ना रहे। तो देख सकते हैं कि ये सभी लोग जहाँ तहाँ काम करने वाले लोग भी हैं, बहुत सारे बेघर लोग भी हैं जो कि रहते थे इधर ही, कहीं काम करते थे आसपास 2-4 किलोमीटर के दायरे में, लेकिन लॉकडाउन के बाद चूंकि सारे कामकाज बंद हैं, बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, इसलिए इनका काम बिल्कुल ठप पड़ चुका है। इसलिए अब ये सरकारी जो सेवा है उस पर निर्भर हैं। इधर शेल्टर होम में रहते थे लेकिन उसमें आग लग गई, उसके बाद काफ़ी लोग जो वहाँ रहते थे वो बेघर हुए। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी भी नया खाना नहीं मिल रहा था, अभी भी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब सरकार की ओर से इन सबको शेल्टर होम में शिफ्ट किया जा रहा है, रोहिणी की तरफ और जो आसपास के स्कूल हैं वहाँ पर उन्हें रखा जाएगा जब तक लॉकडाउन है। उस दौरान वहीं पर इनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि अचानक इतनी ज़्यादा भीड़, इतने तादाद में लोग यमुना किनारे रह रहे थे, प्रशासन इससे बेखबर था, अछूता था, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल देर से ही सही प्रशासन और पुलिस की नींद खुली है और इन्हें अब शेल्टर होम में शिफ्ट किया जा रहा है।
कुदसिया घाट से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए।